बाड़मेर में कांग्रेस के नगर परिषद बोर्ड में गुरुवार सुबह शुरू हुआ सियासी ड्रामा देर शाम समाप्त हो गया। गुरुवार सुबह उपसभापति ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को इस्तीफा दे दिया था। दिन भर चली वार्ताओं के बाद रात को गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और विधायक मेवाराम जैन ने उपसभापति और सभापति को बुलाकर एक साथ होने का संदेश दिया, लेकिन उपसभापति के इस्तीफे के बाद जो हंसी थी वो रात को गायब नजर आई और मौन बैठे नजर आए। उपसभापति ने रात को मीडिया के हर सवाल का जवाब विधायक से पूछो कहकर टाल दिया। उपसभापति ने कलेक्टर को इस्तीफा दिया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि नियमानुसार इस्तीफा सभापति को देना था। वहीं इसी बीच विधायक जैन ने सब कुछ ठीक होने की बात कही। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में शुरू हुआ उठापटक दौर एक पखवाड़े के भीतर ही बाड़मेर तक पहुंच गया, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर सियासी ड्रामा देखा गया तो गहलोत के मुख्यमंत्री पद के मोह और अपने मोहरे को काबिज करने की महत्वाकांक्षा से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई। तो अब बाड़मेर में नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड के भी कुछ ऐसे ही हाल गुरुवार को पूरे दिन देखने को मिले। हालांकि नगर परिषद बोर्ड में गुरुवार सुबह इस्तीफे के बाद शुरू हुआ ड्रामा देर शाम राजीनामा के साथ खत्म होता नजर आया। दरअसल प्रदेश में इन दिनों प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत द्वितीय चरण के शिविर पिछले 3 माह से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक वार्ड के शिविर आयोजित कर लोगों को पट्टे जारी करने के साथ ही नगर परिषद से संबंधित कई कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच एक सप्ताह पहले एकाएक उप सभापति सुल्तान सिंह देवड़ा एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों को साथ लेकर विधायक मेवाराम जैन के पास पहुंचे और सभापति दिलीप माली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत की। उस दौरान विधायक जैन ने सुल्तान सिंह को समझा बुझा मामला शांत होने का मैसेज बाड़मेर की जनता के सामने दिया, लेकिन गुरुवार को सुल्तान सिंह कलेक्टर के पास पहुंचे और उप सभापति पद का इस्तीफा सौंप दिया। यही नहीं, सुल्तान सिंह ने सभापति दिलीप माली पर कई गंभीर आरोप लगाए। पट्टे जारी करने में लेन देन के आरोप उप सभापति द्वारा प्रमुखता से लगाए गए, साथ ही नगर परिषद के प्रत्येक कार्य में भ्रष्टाचार की बात भी उप सभापति ने कही। इस्तीफा सौंपने के बाद बाड़मेर के राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। दिन भर नगर परिषद के भ्रष्टाचार और उप सभापति के इस्तीफे की चर्चाएं जोरों पर रही। शाम होते होते विधायक मेवाराम जैन की फिर से एंट्री हुई और सभापति व उप सभापति को बुलाकर समझाइश करने के साथ ही मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत हुए। हालांकि विधायक जैन ने मामला शांत होने और इस्तीफा वापस लेने की बात भले ही कही हो, लेकिन सभापति और उप सभापति के चेहरे कुछ और ही कहानी बयां करते नजर आए। मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे MLA मेरे गार्जियन हैं, मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अब आदरणीय साहब जो कहेंगे। तो क्या वो जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए थे वो आरोप निराधार थे? अब आप ये बात MLA साहब से पूछो। तो आज जो आपने इस्तीफा दिया तो वापस ले लिया? हाँ, वो भी आप MLA साहब से पूछो। मैंने MLA साहब मेरे गार्जियन है वो पूरी बात बता दी है, अब इनसे पूछिए MLA साहब से। आपकी ओर से कोई बात नहीं अब कुछ? अब तो क्या बाकी रहा है वो कहना चाहूँगा। उप सभापति जी मेरे साथी पार्षद है, हम पिछले 3 वार्डों में साथ में रहे हैं, ऐसा कोई प्रकार का हमारे विवाद नहीं हुआ है। जरूरी थोड़ा बहुत पट्टों को लेकर विकास कार्यों को लेकर मतभेद हुआ था कि विवाद में इन्होंने कोई कार्य कहा होगा ना, हो सकता है उसमें मेरे पास बजट की कमी थी तो मैंने उस चीज़ का मना किया होगा कि भाई ये इतना बजट मेरे पास है, छोटा छोटा बजट आप कहाँ में लो। अब हमारे पास में अच्छा बजट आ गया है और उस बजट से हम सभी पार्षद, क्योंकि एक लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में आम लोगों का जुड़ाव रहता है, तो ऐसे आरोप नगर परिषद पे लगना सामान्य बात है और वैसे ऐसी कोई भ्रष्टाचार की नहीं। नहीं, इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो आपसे जो पेशक लगे ऐसा कोई मतभेद नहीं था और माननीय विधायक साहब के पास जैसे ये बात आई तो मुझे बुलाया और उप सभापति जी को भी बुलाया, बैठ के बात की और हम तो ये है कि हमारे शहर का विकास कैसे कर सकते हैं, बाकी भ्रष्टाचार पेशों का ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे मतभेद कुछ पट्टों को लेके हुआ था। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आपका अगला क्या? मैं अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं सविस्तार से नगर परिषद सभापति पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब मेरे और उप सभापति और सभापति से चर्चा हुई और अन्य पार्षद से भी मेरी चर्चा हुई, आपस में थोड़े बहुत मतभेद इनके थे, उन मतभेदों पर चर्चा हुई कि हम किस तरह से ईमानदारी से बाड़मेर की जनता को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की सोच है कि हम पट्टे
लोगों को दे और उसमें किसी तरह का कोई कहीं शिकायत नहीं आए, कहीं किसी से कोई पैसे वैसे लेन देन की कोई बात नहीं आए। इस पर सभी हमारे पार्षदगण भी चाह रहे थे, उपसभापति भी चाह रहा था और सभापति से भी यही कहा कि ये अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि ये क्यों हो रहा है, इसको हम सब मिलकर और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे और आपस में इनके जो भी त्यागपत्र वाली बात थी वापस लेने वाली बात भी हो गई और मेरे सामने ये सभापति उपसभापति दोनों ही बैठे हैं। कोई इस तरह की बात आएगी हम उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं हो इस पर हम आज नहीं, आज से दो दिन पहले उसी मीटिंग में यही चर्चा कर रहा था। कल पार्षद मेरे पास आए थे उसमें भी मैंने यही चर्चा की और एक दो दिन में मीटिंग करूँगा और पार्षदों से एक एक की राय लूँगा, नगर परिषद में और अधिकारियों की मीटिंग लूँगा, चेयरमैन उपसभापति पार्षद सब मिलकर हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि ईमानदारी के साथ लोगों को पट्टे मिले, लोगों का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता। गुरुवार को बाड़मेर नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड में हुए राजनीतिक ड्रामे से जहां विधायक जैन और सभापति माली की किरकिरी तो हुई लेकिन राजीनामा होने के बाद उपसभापति के चुभते सवाल आज भी जिंदा हैं और यह शाश्वत सत्य है कि नगर परिषद की छवि उपसभापति के कई अनुसार ही हमेशा रही है। बाड़मेर नगर परिषद हमेशा से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कई अध्यक्ष सभापति और ईओ आयुक्त आए और गए लेकिन भ्रष्टाचार का खेल कभी नहीं रुका। बहरहाल विधायक मेवाराम जैन ने विवाद तो खत्म करवा दिया लेकिन भ्रष्टाचार की बयार यूं ही चल रही है, इसे खत्म करवाने का साहस कौन दिखाएगा यह कह नहीं सकते।